हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सिक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूजिंग अ कीबोर्ड। ओके, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सिक्स। सी स्टूडेंट्स, These are the some keywords, useful keywords. Back, go behind. Back का मतलब क्या होता है? Go behind. Space, provide blank space. Means space का मतलब क्या होता है? खाली स्थान देना. ESC का मतलब क्या होता है? Escape. CTRL means control. DEL means delete. PG up means one page up. PGDN means one page down. INS means insert. NALT मतलब alternate. ठीक है, ये keywords दिए हुए हैं, इसको आपको याद करना है। दो definitions दिए हैं, what is the typewriter and what is posture, ये भी आपको याद करना होगा। ठीक है, These two things are homework for you all. Now, next is dash key are used to type capital letters. तो shift key हम अगर दबाएंगे तो हम capital letters लिख पाएंगे. ठीक है, dash is the type of function key. फंक्शन की का टाइप क्या है? F2, F1 से लेकर F0 तक दिया हुआ है, वो सारे फंक्शन कीज हैं। ठीक है, तो उसको क्या शॉर्ट में बोलते हैं? F2। विच वन ऑफ दीज इज अ स्पेशल की? कौन सा की स्पेशल की है? एस्केप की। ESC का क्या है फुल फॉर्म? एस्केप। नेक्स्ट इज डैश की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे लंबी की को क्या बोलते हैं? स्पेस बार। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, बुक में भी होगा। ये देखिए, ये स्पेस है, स्पेस बार। ओके, ये की क्या है? स्पेस की है। सबसे लंबी सी की होती है कीबोर्ड में, उसको स्पेस, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक, इट इज द स्पेस की। ओके, नाउ कम्स टू द फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश शिफ्ट कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। टू शिफ्ट कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। कितने की शिफ्ट कीज होते हैं? टू। ओके, डिलीट की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कर्सर। राइट साइड जहां पर, मतलब डिलीट की से कहां हम यूज करते हैं? राइट साइड ऑफ द कर्सर को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, द अनदर नेम ऑफ फंक्शन की इज शॉर्टकट की। क्या नाम है? शॉर्टकट की। अनदर नेम क्या है फंक्शन की का? शॉर्टकट की। नंबर की आर टोटल 20 इन नंबर। नंबर की कितने हैं? टोटल 20 इन नंबर। देयर आर टोटल 5 कैटेगरीज ऑफ द कीज ऑन द कीबोर्ड। 5 कैटेगरीज होते हैं कीबोर्ड में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ का रिवीजन हो गया। आप लोग इसको अपने बुक में फिल करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके बच्चों।